हजारीबाग लोकसभा चुनाव के लिए मतदान में अब मात्र 7 दिन ही बचे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन भी अपनी पूरी शक्ति चुनाव और को चुनाव आयोग की दिशा निर्देश पर संपन्न कराने के लिए जुटा है। इसी के तहत उन्होंने छापेमारी कर होटल से 22 लाख रुपए बरामद किए हैं। इसी कड़ी में बीती रात जिला नोडल पदाधिकारी विजया जाधव के नेतृत्व में होटल AK इंटरनेशनल में छापेमारी की गई, जहां 2 कमरे से लगभग 22 लाख नगद बरामद किए गए। जिस कमरे में पैसे मिले, दोनों कमरे कांग्रेस उम्मीदवार गोपाल साहू के नाम से बुक थे। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि बरामद किए गए रुपए को चुनाव में इस्तेमाल किया जाना था। हालांकि रुपया जब्त किए जाने के बाद इनकम टैक्स अधिकारी और जिला प्रशासन मामले की छानबीन में जुट गया है। यह बरामदगी अब तक के चुनाव के दौरान की गई सबसे बड़ी बरामदगी है। कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर रिपोर्ट्स नहीं है, तो हमको हेल्प कीजिए। उसी इनके रिक्वेस्ट के आलोक में एक्सपेंडिचर सेल ब्लाइंड स्पॉट गए और पुलिस ने उनकी हेल्प की। कमरा नंबर 201 जो SK मिश्रा के नाम से बुक था, वहाँ पे 16,85,500 रुपीज़ की कैश मिली है, जो एक जगह पे स्टॉक में रखी थी। साथ ही साथ बहुत सारे एनवेलप्स में भी कुछ 2,000, 5,000, 10,000 के फॉर्म में रखे। और रूम नंबर 209 जो संदीप कुमार साहू के नाम से है, वहाँ से 5,06,400 रुपये की कैश बरामद हुई। ऐसे लगभग 22 लाख रुपये की कैश मिली थी। तो इस कैश को कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैंड ओवर कर दिया है, क्योंकि 10 लाख के ऊपर से कैश जब एक जगह पे किसी भी रेड में मिलती है या कहीं पर भी स्टॉक है, इस तरह की जानकारी होती है, तो इनकम टैक्स पिक्चर में आता है और IT धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। बाकी के एक कमरे में कुछ ऐसे अकाउंट डिटेल्स मिले हैं, आपको फाइल मिली है जिसमें काफ़ी ह्यूज अमाउंट के कैश के ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी फाइल जब्त की गई है और अभी ये कैश कांग्रेस कैंडिडेट गोपाल साहू से रिलेटेड है सारा मामला या फिर अलग अलग? ऑब्वियसली JK साहू लिखा है तो उन्हीं के इससे रिलेटेड है। बाकी वहाँ पे हमको कांग्रेस से रिलेटेड ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, बट उन्हीं के नाम से 4 कमरे थे। जिन 2 कमरे में कैश मिली है, वहाँ के गेस्ट थे जो वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे, इंतजार करने के बाद आए थे। 4 कमरे और किसी के नाम से नहीं है। जगह पे काफी स्टॉक होता है, जैसे 2,000 के बंडल से, 2,000 के कुछ पैकेट से, 500 रुपए के पैकेट से, 100 रुपए है, 200 रुपीज डिनोमिनेशन में है, अलग अलग डिनोमिनेशन में है। कुछ पीसेस थे जो एनवेलप में भर के एनवेलप बनाए गए थे, रबर बैंड से बंधे हुए थे। बहुत सारे ट्रैवलिंग टूर्स के टिकट्स भी मिले और ये इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर ही रहा है। अगर इसका सही सही सोर्स ऑफ कैश का एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है, तो विभिन्न सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई। मैडम, आपने कहा कि एक कमरे में जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें ट्रांजेक्शन हैवी ट्रांजेक्शन के, कितने ट्रांजेक्शन का उसमें? वो फाइन इनकम टैक्स के लोगों ने अभी उसको कॉन्फ्यूज कर दिया है, कुछ आउट ऑफ झारखंड से इनकमिंग ट्रांजेक्शन उसमें, किसी चतरा से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो वो पेपर्स अभी इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देखते हैं। उनको भी पूछा जाएगा कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम बताइए या आपके वहाँ पे आने का प्रयोजन क्या था या इस कैंडिडेट को नाम से बुक किए हुए कमरे में।